लंबे समय से जन शाह के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने, हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है, और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। ये उनके दिए हुए जो कुछ गुण है उस भी कार्यकर्ताओं ने उसके बारे में सोच के ये जो निर्माण हुआ है, आज का जो वैक्यूम निर्माण वो भरने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। बहुत बहुत। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अलग अलग बड़े नेता जो हैं वो ट्वीट करके अपनी वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी लगातार अपनी तरफ से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। आइए आपको कुछ ट्वीट्स हम दिखा दें जो अब तक किए गए हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति की तरफ से इस खबर को के ट्वीट से इस खबर का पता चला जब उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन से बहुत दुख पहुंचा है। वे ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक थे। भारत और गोवा के लोगों के लिए उनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसके अलावा राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने बहुत बहादुरी से एक साल से ज्यादा वक्त तक बीमारी का सामना किया। इस शोक की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं श्री मनोहर पर्रिकर के परिवार के साथ हैं। मैं उनसे एक ही बार मिली हूं जब वो दो साल पहले बहुत ही शालीनता के साथ मेरी मां से मिलने अस्पताल आए थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मनोहर पर्रिकर जी के निधन से बहुत दुख पहुंचा। राष्ट्र ने एक सच्चे देशभक्त को खो दिया है जिसकी पूरी जिंदगी देश और विचारधारा के लिए समर्पित थी। जनता और फर्ज के लिए उनका समर्पण अनुकरणीय था।